देखो भाई दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ग्रीन नेट कब लगानी चाहिए और बिल्कुल सही समय क्या है इस ग्रीन नेट को लगाने के लिए। और ये जो सामने देख रहे हो आप, ये बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं, इसके नीचे एक बड़ी सी पॉलीथीन है, इसमें पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है इनमें। एक्चुअल में क्या है, मेरी ग्रीन नेट इसमें ही रखी हुई है, तो इसको भी खोलेंगे। और ये जो ग्रीन नेट है, ये मैं ख़रीद के नहीं लाया है, ये मेरे किसी दोस्त ने मेरे को दी है गिफ्ट। और इसका जो एक्चुअल साइज़ है बहुत बड़ा है, यानी कि ये 10 फुट चौड़ी और 100 फुट लंबी है। हमें तो इतनी चाहिए नहीं, हमें बेसिकली क्या है, ये जो आप ड्रम देख रहे हो, तो ड्रमों के ऊपर 5 फुट चौड़ी और ये 20 फुट लंबी इधर लगानी है। यहाँ पर हमारी बेल फैलने वाली है इधर छत पर, और एक 10x10 का पीस हम यहाँ पर लगाएंगे। वैसे तो ये जो पीछे बोगनविला लग रही है, इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे। और जो भी ज़रूरत के पौधे हैं, जिनको धूप काटती है या धूप से जो परेशान होते हैं, उन सभी पौधों को हम अपने यहाँ पूरे के पूरे ओपन स्पेस में ला करके शिफ्ट कर देंगे। और जिन पौधों को ज़रूरत नहीं होती, जैसे बड़ का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बोगनविला हो गई, पिलखन हो गए, कोचिया हो गए, इन सबको हम ऊपर वाली छत पर ही रहने देंगे। और बैंगन के और शिमला मिर्च और वो सब भी ऊपर ही रहने देंगे, क्योंकि उन्हें कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है धूप से। लेकिन कुछ पौधे हैं, तो जैसे कि ये कड़ी पत्ता हो गया, सामने मौसमी का पेड़ हो गया, और दो चार पौधे और हो गए, हार श्रृंगार, जूही की बेल, रात की रानी, इन सब को धूप से बचाना ज़रूरी है। तो इस तरीके के पौधे के लिए हम इधर लगाएंगे। अब बात आती है कि ये जो ग्रीन नेट है, इसको लगाने का बिल्कुल सही समय क्या है। तो इसको लगाने का बिल्कुल सही समय यह है कि जब भी टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाने लगे, तो इसको लगा देना चाहिए। वैसे तो 40 डिग्री तक भी कोई दिक्कत नहीं होती पौधों को, 40 से ऊपर जैसे ही जाने लगता है तो पौधे जलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे आज 25 मई है, तो 4-5 दिन के बाद गर्मी 40 डिग्री से पार होनी शुरू हो जाएगी, और फिर सभी पौधों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी तैयारी मैं आज करूँगा। वैसे तो मैं इसकी तैयारी लगभग 10 दिन पहले ही करने वाला था, लेकिन तूफ़ान आ गया, तो मौसम ठंडा हो गया, और मैं कहीं ज़रूरतमंद लोगों के साथ बिज़ी भी था, तो इसलिए इस प्रोसेस को डिले कर दिया थोड़ा सा। लेकिन अभी खाली भी हूँ और समय भी आ गया, अब तूफ़ान भी नहीं आएगा, मौसम भी गर्म हो जाएगा, तो इसको अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि इसको लगाने का बिल्कुल सही समय यह है कि जैसे ही 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने लगे, उस समय ये कंपलसरी सारी उन पौधों के ऊपर होने चाहिए जिनको भी गर्मी काटती है या गर्मी से परेशानी होने लगती है ज़्यादा धूप से। लेकिन क्या होता है, कई बार हम ज़्यादा समय को इंतज़ार में लेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा लेट ना होएं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पिछली बार हुआ था, हम लेट हो गए थे। तो जैसे ही टेम्परेचर 35 क्रॉस करे, तभी आप अपना इंतज़ाम कर लेना। ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती वैसे, मैंने मार्केट में पता किया है, 10x10 का साइज़ 300 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक का एज ए क्वालिटी के अनुसार मिल जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ले लेना। अब ये वाली मैं खोलता हूँ और इसमें देखते हैं कि कैसी है। फ़िलहाल तो मैंने आपको बताया कि नई लेने का तो कोई मतलब नहीं है जब हमारे पास है ही, और ये बहुत बड़ी भी है, तो इसी को हम काट पीट करके लगाएंगे। तो ये देखो अच्छी सी पैकिंग में है। एक्चुअल में जो हम दुकान से लेकर के आते हैं, वो भी ऐसी ही होती है। दुकान वाले क्या करते हैं, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट जो भी होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से पीस काटते हैं और टेलर के पास जा करके उनसे सिलवा करके उनकी पेमेंट उन्हें करके हमें जोड़ के पेमेंट के साथ दे देते हैं। जो एक्चुअल साइज़ होता है वो यही होता है, पूरा का पूरा 10x100 फुट या 10x200 फुट, ये इतने लंबे लंबे ही होते हैं, जो पीछे से इसको बोलते हैं पूरा थान बोल सकते हैं। तो हमें तो इतना बड़ा चाहिए नहीं। ये देखो इस तरीके की पैकिंग में है, ये जितना चाहिए हो उतना खोल के यूज़ कर लो। तो जैसे कि देखो, ये मैंने इतना खोल लिया फ़िलहाल तो दिखाने के लिए, और अगर हम इसको फुल खोलते हैं तो ये देखो लगभग पूरा 10 फुट चौड़ा हो रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो पूरी 5 टाइल कवर कर ली, एक टाइल जो है मेरी ये 2 फुट की है, तो यानी कि 10 फुट चौड़ा हो गया। हमें इतना नहीं चाहिए।
हमें यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फुट का चाहिए, तो हम बीच में से करके या थोड़ा सील के या ऐसे ही थोड़ा काट पीट के लगा देंगे, क्योंकि अपने पास तो बहुत सारा है, तो अगले साल भी लगा लेंगे। तो ऐसे 5 फुट इतना लगा लेंगे और एक 10x10 का पीस काट के उस तरफ लगाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे को काट कूट के लगाने की कोशिश करता हूँ, और जब लग जाएगा तो दिखाता हूँ आपको कि लगने के बाद कैसा लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर लगाऊंगा और इधर यहाँ पे लगाऊंगा। मेरे देखो सभी पिलर्स में हुक लगे हुए हैं, हुक की सहायता से इन तारों पे बांध के मैनेज कर लूँगा। तो करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। हाँ जी, देखो ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबी सी काट के बना दी। जैसे कि मैं कह रहा था, वो कोने में से अभी उड़ रही है, वहाँ एक रस्सी बांधनी पड़ेगी, तो वहाँ एक रस्सी बांध देंगे थोड़ी देर में। और देखो ये बना दी मैंने 4 फुट चौड़ी, और जैसे कि उधर कह रहा था, उधर भी एक 10x12 का पीस लगा दिया। उन सारे पौधों पे बढ़िया छाया हो चुकी है। उधर अभी धूप आ रही है क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, आधे घंटे में वो धूप भी आनी बंद हो जाएगी। तो वैसे तो अब मेरी छत पे ज़्यादातर पौधे जो हैं वो ऐसे ही हैं जिनको धूप से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ एक पौधे हैं जैसे कि सामने वो जूही की बेल हो गई, और कड़ी पत्ता हो गया, रात की रानी हो गई, हार श्रृंगार हो गया, मौसमी का पौधा हो गया, तो इस तरीके के कुछ पौधों के लिए अब ये काम आएगी। नीचे वो फॉक्सटेल फर्न, इसको धूप लगती है, तो इन सब को वहाँ रख दूँगा, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो बच जाएंगी उनको यहाँ रख दूँगा। बाकी इतना मेरे लिए सफिशियंट है। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, बाकी मैं इसको अभी और अच्छे से बांध के, ये जो उधर को उड़ रही है और ये बीच बीच में से जॉइंट है, इनको कस दूँगा, तो ये पूरा का पूरा बढ़िया सुंदर दिखने लगेगा और मेरा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।